रेवाड़ी में अपराधी सरेआम घूम रहे हैं और सूबे में क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है कोई नहीं जानता। अंसल टाउनशिप के गेट पर रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने खाना डिलीवरी करने जा रहे एक जोमेटो के कर्मचारी को गोली मार दी। दिल्ली के सफदरजंग में उपचार के दौरान सोमवार सुबह युवक की मौत हो गई। मृतक मोहिंद्रा जिला पलवल के गांव हतीन कस्बे का रहने वाला था और वर्तमान में शहर की दुर्गा कॉलोनी में रहता था। अभी तक युवक को किस वजह से गोली मारी गई है ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लूटपाट के इरादे से युवक को गोली मारी गई। तो वहीं वारदात की सूचना के बाद पुलिस के आला अफसरों ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया और मॉडल टाउन पुलिस के अलावा CIA ने मामले में जाँच शुरू कर दी है। शाम के 9:15 बजे के हमें सूचना मिली, अंसल में एक जोमेटो वाला था, वो अपना सामान डिलीवर कर लेकर वो कहीं अंसल में किसी को डिलीवर करने जा रहा था और अंसल में अपनी मोटरसाइकिल पर था। किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उसके रोक कर उसके सीना जिप्टी करते समय उसको गोली मार दी और उसके बाद में वो पुष्पांजलि अस्पताल में दाखिल हुआ। तो पुष्पांजलि से सफदरजंग दिल्ली चला गया, रात को उसकी मौत हो गई। क्या कुछ नाम था? महेंद्र नाम है, होड़ी थल है अथीन के पास में, वहाँ का रहने वाला है, दुर्गा कॉलोनी में रहता है। सर इससे ये तो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है, इसके लिए हम पता कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा आपको। कारण ये बताया जा रहा है कि भाई हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि भाई उसके साथ लूटपाट हुई है या कोई और कारण है। मोबाइल नहीं मिला उसका, पैसे के बारे में भी कोई पता नहीं लगा है, बाकी उनका पता कर रहे हैं। तो सर कोई क्लू अभी तक नहीं, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं है। एक से ज्यादा? एक ही है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय के बैग में पैक ऑर्डर तो मिला, लेकिन उसके पास मोबाइल व नकदी नहीं मिली, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं किसी ने लूट के इरादे से तो उसे गोली नहीं मारी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।